हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ हुंडई क्रेटा के बेस वेरिएंट यानी कि ई वेरिएंट और इसके सेकंड बेस ई एक्स वेरिएंट के बीच में कंपैरिजन। देखेंगे कंपेयर करके इन दो वेरिएंट्स में कि आपको क्या कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर प्राइस डिफरेंस की बात करें तो दोनों वेरियंट्स में आपको एक्स शोरूम 1,20,000 रुपीज़ का फ़र्क देखने को मिलता है। फीचर्स की अगर बात करें तो सबसे पहला जो डिफरेंस आपको देखने को मिलता है इन दो गाड़ियों में वो है इनके म्यूजिक सिस्टम का, जहाँ पे क्रेटा के ई वेरिएंट में आपको कोई भी म्यूजिक सिस्टम देखने को नहीं मिलता, ना ही आपको स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, बिल्कुल डमी आपको देखने को मिलता है क्रेटा का ई वेरिएंट। पर अगर आप इसके ई एक्स वेरिएंट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको टच इन्फोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है, साथ में ही जो आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले की कनेक्टिविटी के साथ देखने को मिलता है, प्लस 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स भी आपको इसके ई एक्स वेरिएंट में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अगले डिफरेंस की अगर बात करें तो वो आपको देखने को मिलता है इनके स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स में। जैसा कि इसके ई वेरिएंट में आपको म्यूजिक सिस्टम ऑफर नहीं किया गया है, तो इसके स्टेयरिंग्स पे भी आपको कोई भी कंट्रोल्स देखने को नहीं मिलते, पर इसके ई एक्स वेरिएंट में आपको स्टेयरिंग कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगला जो डिफरेंस आपको देखने को मिलता है वो है इनके एंटीना का, जहाँ पर क्रेटा के बेस वेरिएंट यानी कि ई वेरिएंट में आपको नॉर्मल एंटीना देखने को मिलता है, वहीं पर इसके ई एक्स वेरिएंट में आपको शार्क फिन एंटीना देखने को मिलता है। उसके बाद अगले डिफरेंस की अगर बात करें तो वो आपको देखने को मिलता है रिवर्स पार्किंग कैमरा का। जैसा कि इस पर कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को नहीं मिलता है ई वेरिएंट में, तो यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी नहीं दिया गया है। उसके बाद लास्ट डिफरेंस की अगर बात करें तो वो आपको देखने को मिलता है इन दो वेरिएंट्स में, वो है सनग्लास होल्डर प्लस रीडिंग लैम्प का। क्रेटा के ई वेरिएंट में आपको सनग्लास होल्डर देखने को नहीं मिलता, वहीं पर इसके ई एक्स वेरिएंट में आपको ग्लास होल्डर प्लस रीडिंग लैम्प दोनों देखने को मिलते हैं रूफ पे। तो दोस्तों, ये तो था कंपेरिजन क्रेटा के बेस वेरियंट ई और ई एक्स के बीच में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।